असलम जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे अल्लाह तला तमाम तलबा को कामयाब करें जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इम्तान की या इम्ताना का वेट कर रहे हैं अल्लाह तौल सबको कामयाब करें और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में तो एग्ज़ाम्स के बारे में आप सबको पता ही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पोस्ट कर दें कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम स्टार्ट कर रही हैं लाइक इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्टार्ट कर रही है उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात की जाए तो उन्होंने डेट शीट भी अपडेट कर दी हुई है उनका डेट शीट आ गई है रोल नंबर स्लिप्स से इनशाला तला आ जाएंगी और वो आपको सेकेंड जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं पार्ट वन वालों के तो आज कुछ स्पेशल वीडियो थी कल मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कल मैंने की थी उसमें भी मैंने सबको बताया था स्टूडेंट्स को और हर एक चीज़ पे हमने डिस्कस भी किया था तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आज मैं बात करूंगा वेबसाइट के बारे में दोस्तों को वेबसाइट मैंने बताया था कि वेबसाइट में बनवा रहा हूं जिस वेबसाइट पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी गेस्ट पेपर्स पास्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपसे आपको हर एक तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होगी सो हम उस पर चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पर और मैं वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको ये जो मिल जाएगा सिंपली आपने जो वेबसाइट है एच टी पी और उसके बाद जो है ये आपको कासिम वट्टू इन फ़ो इन मैंने गूगल कंसोल पे भी अप्लाई किया है दो से तीन दिन में आप कासिम वट्टू ऑफिशियल के नाम से ही गूगल पे सर्च करके इसे ओपन कर सकते हैं और मैं आपको इसका सारा चलाने का तरीका बता देता हूँ ताकि जितने भी लोग हैं जिन्हें परेशानी होती है तो वो परेशानी से बच जाएँ और ये वेबसाइट आपके सामने है यही एड्रेस होगा मैं एड्रेस आपको नीचे मेंशन भी कर दूंगा और इस एड्रेस पे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे और ये आपके सामने वेबसाइट है मोबाइल यूज़र्स जो हैं वो आपको बता दूं यहाँ पे आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा यहाँ से आप सब्सक्राइब यहाँ पे आप डायरेक्ट चैनल पे भी आ सकते हैं ये यह आपको यहाँ से मेन्यू मिल जाएगा ये इसमें आपको डार्क मोड भी मिल जाएगा अगर आप यूज़ करना चाहें यहाँ पर मेन्यू में आपने जाना है और ये आपको मेन पोस्ट जो है ये होम पे भी मिल रही हैं सारी जो अभी मैंने मेन की हुई हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेन्यू सारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स पोर्टल है आपने एरो पे क्लिक करना है एरो पे क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स इसमें एफ पी आपको मिल जाएगा जॉब्स में आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स मिल जाएंगी अर्निंग आइडियाज़ में मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे और सेम अगर आप कंप्यूटर की बात कर लेते हैं जो लोग कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो डेस्क टॉप साइड में भी आपको मैं जाके चेक करवा देता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू टोटल तकरीबन आपके सामने है और यहाँ पे भी आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी लेकिन ये यहाँ पे मेन्यू सही से ओपन नहीं हो रहा कंप्यूटर पे यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है ये सारा मेन्यू आ जाता है जहाँ से आप स्टूडेंट्स पोर्टल भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसे यूज़ किस तरह से करना है जिसमें मैं आपको पूरा तरीका समझा देता हूँ आपने स्टूडेंट्स पोर्टल में यहाँ पर जाना है इसके बाद आप जाएंगे जी पास्ट पेपर गेस्ट पेपर्स में गेस्ट पेपर्स जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर परेशान थे उन स्टूडेंट्स के लिए सारा दिन लगा के और कल ही रात लगा के मैंने अपलोडिंग की है और अभी भी अगर तक किसी को यह मुश्किल लगता है तो काइंडली आप मुझे अपनी राय से आगा ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसमें चेंजिंग कर सकूं ये सारा इसमें मैंने बताया हुआ है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के आपको यहाँ से गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस को मैंने देख के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन को कम्पेयर करके मैंने गेस्ट पेपर कम्प्लीट तैयार किए हैं जिससे आपकी हर यूनिवर्सिटी की तैयारी हो जाएगी अब जो यूनिव जे फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो इन तीन सब्जेक्ट्स पे जो ब्लैक है इन पे आपको अपलोडिंग नहीं हुई हुई है और जो बाकी रेड कलर में है ये सारे अपलोडेड हैं इसमें आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश थोड़ा क्रिटिकल है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं उन्हें तो पता होगा इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो पेपर आ गया है ये सारा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सर हैं पार्ट वन के ये आपके सामने लिखा हुआ है बी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट वन इंग्लिश ऊपर लिखा हुआ है बी ए, ए डी पी पार्ट टू गैस पेपर्स इस पर पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पार्ट टू के गैस पेपर्स पे चले जाएंगे यहाँ पे आपको ये आपको मॉडर्न एसेज आ गए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नावल के आ गए हैं इंपॉर्टेंट एसेज आ गए हैं और इंपॉर्टेंट लेटर्स फ़ॉर बी ए इंग्लिश आ गए इंपॉर्टेंट एडियम्स फ़ॉर बी ए और इंपॉर्टेंट करेक्शन ऑफ़ वर्ड्स आ गए और फर्दर हम बात कर लेते हैं अगर इसमें मल्टी टॉपिक ऐसे की जो मैंने आपको बताया था जिसमें आपके बहुत से टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ये इंपॉर्टेंट आपके ऐसे हैं अगर आप रीड मोर पे जाएंगे ये मल्टी टॉपिक ऐसे फॉर बीए बी एयर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मल्टी टॉपिक ऐसे आ जाएगा बिल्कुल सिंपल वे में वेबसाइट यार बनी हुई है हर चीज़ का मेन्यू आपके सामने अवेलेबल है आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं वापस मेन्यू में जाने के लिए आप यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे वापस मेन्यू पे चले जाएंगे सेम इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स पोर्टल में जाके गेस्ट पेपर्स में जाते हैं अगर आप कोई भी गेस्ट पेपर यहाँ से निकालना चाहते हैं लाइक हम अगर बात कर लेते हैं जर्नलिज्म की जर्नलिज्म भी एक दोस्त ने मुझे कहा था कि सर जर्नलिज्म के पेपर्स अपलोड कर दें जर्नलिज्म का जर्नलिज्म के पास पेपर ये आपको गेस्ट पेपर्स आपके सामने आ गए हैं ये वाले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने कोशिश की है कि मैंने यहाँ पे एक, एक इमेज भी क्रिएट कर दूँ जिससे आपको आसानी रहेगी कि यहाँ पर क्योंकि उर्दू में जब टाइपिंग करते हैं तो उसमें अरेंजमेंट थोड़ी ख़राब हो जाती है अगर हम बात कर लेते हैं uh, स्टेटस्टिक्स की तो यहाँ पे भी आपको ये देख सकते हैं कि सारे आपको चैप्टर्स अवेलेबल हैं और uh, अगर हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे वो सारे कवर हैं तकरीबन मैंने तमाम जितने भी कंप्यूटर uh, जितने भी नोट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे निकाल सकते हैं इंग्लिश भी आप निकाल सकते हैं इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स पोर्टल में जाएंगे एग्जाम्स पे या रिज़ल्ट पे या जिस चीज़ पे भी चले जाएं एग्जाम्स पे जाएं मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ टोटल जिससे आप एग्जाम्स में भी सेम है बाकी एडमिशन में भी सेम है हर चीज़ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपको जाकर मेन्यू ढूंढना पड़ता है अपनी मर्जी का ठीक है यहाँ पर आपको सिंपल हर चीज़ मिल जाएगी इस वेबसाइट पर आप आएंगे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने हैं जौन सी यूनिवर्सिटी का जैसे हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एग्जाम स्टार्ट करने वाली है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की उसी ऑप्शन uh, पे और उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम्स के बारे में ही मालूम मिलेगी एग्ज़ाम्स आपके कब होने हैं आपकी डेट शीट आ गई है ये देख सकते हैं डेट शीट ऑफ बी ए बी एस सी बी कॉम एस डिग्री फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है और अगर हम सिंपली पंजाब यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी यही है ये आपके सामने हर चीज़ ठीक है और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स uh, पोर्टल में आते हैं और यहाँ पे आपके अगर रोल नंबर स्लिप्स की बात कर लेते हैं तो आपको जाके कोई भी चीज़ किसी भी जगह से किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ढूंढने की जरूरत नहीं है सिंपली आपने उस यूनिवर्सिटी पे आके क्लिक करना है यहाँ पे आके आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है सबमिट टू डाउनलोड करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी सेम अगर आप यहाँ से बाहुदन जिक्रिया पर जाते हैं बहादन जिक्रिया के यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखें और प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लिक कीयर करेंगे अपनी रोल नंबर स्लिप वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पे चले जाते हैं यहाँ पे भी आपने यहाँ से आपने जैसे ही रोल नंबर स्लिप्स अपलोड होती हैं तो मैं आपको वीडियो भी एक बना दूंगा मजीद यहाँ पर आपने अपना टू तो, बैच सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपने बी ए बी सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपने अपना सी सी लिखना है डाउनलोड रोल नंबर स्लिप और कोई आपका इशू नहीं है इसमें सारी वेबसाइट बिल्कुल सेम है और तमाम आपके जो ऑप्शंस हैं आपके रोल नंबर स्लिप एडमिशन एग्जाम्स रिज़ल्ट अगर आप रिजल्ट में चले जाते हैं मैं आपको रिजल्ट में भी दिखा देता हूँ अगर हम रिजल्ट में चले जाते हैं यहाँ पर भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन कर लें यूनिवर्सिटी ऑफ ही कर लेते हैं इसे आप ओपन करते हैं यहाँ पर आप देख लें जीरो सिर्फ आपने अपना एनुअल सिस्टम सिलेक्ट करना है ईयर सेलेक्ट करना है उसके बाद आपने रिजल्ट सेलेक्ट करना है कि किस चीज़ का चाहिए आपको इसमें रिजल्ट नहीं पड़ा होगा इसमें रिजल्ट नहीं पड़ा होगा इसमें रिजल्ट पड़ा होगा यकीन आपने रिजल्ट सेलेक्ट करना है रोल नंबर लिखना है सबमिट टू डाउनलोड कर देना है आपका रिजल्ट शो हो जाएगा इससे आसान कोई चीज़ मेरे ख्याल है आपके लिए नहीं होगी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपने मुताबिक ऑप्शंस ढूंढने की या कहीं से रिजल्ट निकलवाने की जरूरत नहीं है सिंपली इसी वेबसाइट पे आना है आपने रिजल्ट के ऑप्शन पे जाना है जाके क्लिक करना है डायरेक्ट आपने रोल नंबर अपना लगाना है और रिजल्ट निकाल लेना है होप्सू so, आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी और अगर इससे भी सिंपल कोई चीज़ आपको कोई भी चीज़ अगर डिफ़िकल्ट लगी है इसमें भी है तो आप मुझे कंप्लीट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको नीचे कमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा जब आप पोस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप अपना कमेंट भी इंटर कर सकते हैं तो मुझे जब कमेंट मिलेगा तो मैंने यकीन दोस्तों को पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था पास्ट पेपर्स पे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ सॉरी गेस्ट पेपर्स पे पास्ट पेपर्स का मैंने बताया पास्ट पेपर्स इनशाला तला मैं कल तक अपलोड कर दूँगा यार क्योंकि मैं इस पर अपलोडिंग कर रहा था क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर्स थे ये ज़्यादा ज़रूरी थे ये देख सकते हैं एक बंदे ने मैसेज किया भी ये सर साइकोलॉजी पार्ट वन के गेस्ट पेपर नहीं है तो मैंने उसे मैसेज किया है कि आई एम अपडेटिंग और अपडेट जब हो गए हैं तो मैंने उसके बाद उन्हें बता दिया है अब आप आ जाते हैं साइकोलॉजी पे तो साइकोलॉजी के भी आपके सामने पेपर हैं ये आप यहाँ से गेस्ट पेपर्स जो हैं ये आप निकाल सकते हैं ये पिक्चर में यह आपके सामने रिटर्न फॉर्म में है ठीक है और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर इसे आप अप्रिशिएट करना चाहें मेरी मेहनत पे यकीन करें मुझे 10 10 दिन हो गए हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसे मैं ओवरव्यू ऐसा बनाना चाहता था मैं यू ऐसा सिलेक्ट करना चाहता था जो इंतहाई सिंपल हो टेम्पलेट इंतहाई सिंपल हो जो लोगों को यूज़ करने में आसानी हो यहाँ पर आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अर्निंग आइडियाज़ खैर वो हर चीज़ हम अपलोड करते जाएंगे और इसके बारे में अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज